हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बिजनेस लॉ के आंसर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो भाई, बिजनेस लॉ के मैंने तीन आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख रहे हो पहले, सबसे पहले, ठीक है। अभी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, आपको जो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप अपना कोड मैच कर लो सबसे पहले, जो सेमेस्टर वन के बच्चे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप अपने आंसर को चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हो। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नंबर आपके नहीं कटने वाले, तो इंग्लिश में कर लो, वो बेटर रहेगा। तीन आंसर पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया है, जाके चेकआउट कर लो, चैनल पे डाल दिए हैं। अब बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। डिस्कस द लीगल इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसके आंसर की तरफ चलते पहले। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के आंसर पे आ चुके हैं हम। तो भाई, यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ से लेके आपको, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये होती क्या है, डेफिनेशन ये पूरी आपको लिखनी है। और लिखोगे कहाँ तक वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, आप लिखते जाओ इसमें। पहले ये लिखना है पूरा, और ये पूरा का पूरा आपको नीचे तक लिखना है। फिर यहाँ पे आपके रुक जाना है आपको इस जगह पे। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे से लिखोगे पूरा ये नीचे तक। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसी तरह से हम एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करवा सकें। इसके पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख लो। बस ये आपको लिखना है यहाँ तक, आपको ज़्यादा इससे आगे नहीं लिखना है, ठीक है, बस यहाँ तक लिख के आपको रुक जाना है बिल्कुल। हाँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है चेंज द प्रोसीजर का, ठीक है। जो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप चेंज करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लेनी है डेफिनेशन। जब आप ये लिख लोगे तो उसके बाद फिर आपको नीचे ये लिखना है। ये दो एक्ट हैं जो कि 2008 और 2009 के अंदर यहाँ पे बताए गए हैं, ये आपको नीचे लिखना है। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, होल्ड एंड द पर्टिकुलर्स मीटिंग, ठीक है, ये चीज़ पॉइंट। फिर आपको पॉइंट के बारे में ये लिखना है। जब आप ये लिख लोगे फिर आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है और नीचे थर्ड पॉइंट। और मैं दोबारा बता दूँ, आप किसी भी मीडियम में आंसर कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, तो आप इसमें भी उतार सकते हो, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। और इसके तीन आंसर मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ये चौथा आंसर है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं चैनल पे। चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, ताकि सारे आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे इसी तरह से। ये फाइल है, फाइल फॉर्म थ्री है, ठीक है, जो सिक्स इसका प्रोसेस है, ये आपको लिखना है फाइल फॉर्म थ्री में। और यहाँ तक आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे आके रुक जाना है पहले। और इसी जगह पे जब आप ये सारा लिख लोगे यहाँ तक रजिस्टर्ड तक, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा फिफ्थ, ठीक है। तो बाकी तीन आंसर प्रोवाइड कर दिए, चौथा भी प्रोवाइड हो गया, चारों आंसर भाई करवा दिए, जाके आप चेकआउट करो, जाके लिखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, जाके सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करवाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।